रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सरला अपने बेटे रमेश की शादी बिहार के पटना की लड़की से करवाती है। अब पूजा गांव से शादी करके दिल्ली जैसे बड़े शहर में आ जाती है, जो उसका बचपन से सपना रहा है। और सरला भी अपनी नई बहू का स्वागत करती है। शादी के बाद सरला बहू को देखने उसके आस पड़ोस के लोग भी आ जा रहे होते हैं। इसी बीच सरला की पड़ोसन विमला का आना होता है। सरला, क्या बात है, अब तो तू सास बन गई है। मैं तो बस तेरी बहू को देखने चली आई, जैसे ही मुझे पता चला कि तू आई है। अरे विमला, आ, तेरा ही इंतजार था। अभी दिखाती हूँ तुझे अपनी टैलेंटेड बहू की सुरीली आवाज, साक्षात सरस्वती है सरस्वती। क्या बात कर रही है सरला, चल मुंह दिखाए के बहाने ही सही, कम से कम बहू का टैलेंट तो देखने को मिलेगा। अब सरला अपनी बहू पूजा को आवाज लगाती है और विमला से कहती है, आ रही है विमला बहू, तू बैठना, खड़ी क्यों है, मैं तो बहुत खुश हूँ विमला, मुझे ऐसी बहू मिली है। अरे सरला, बहू तो बड़ी सुंदर है तेरी, और बहू सुना है तुझमें गाने का हुनर कूट कूट के भरा हुआ है, जरा थोड़ी सी झलक हमें भी दिखा दे, तेरी कोयल सी सुरीली आवाज हम भी सुन ले। अरे बहू सुना दे सुना दे, ये विमला है, अपनी पड़ोसन है, घर का ही मामला समझ। शादी मैंने कर ली है, दिल्ली वाली सास मुझे मिली है, पड़ोसन मेरी जल कुकड़ी है, जल कुकड़ी है। आहा, ए राम रे राम, सरला की बहू, ये तूने आखिरी में क्या बोला, कुकुर? अरे नहीं, कुकर नहीं विमला आंटी, जल कुकड़ी, यानी कि जलन खोर। कहाँ, रुको मैं गाकर बताती हूँ। पड़ोसन मेरी जल कुकड़ी है, लेकिन उसने खुद को कुकर समझा है, समझा है, पर मुझे अपने गाने पर नाज है, नाज है। देख रही है ना सरला, आज तक तूने मुझे कुछ भी नहीं कहा, लेकिन तेरी आज की कुछ घंटों पहले आई बहू ने मुझे ना जाने क्या क्या कह रही है। ना ना सरला, अब तो मैं एक मिनट भी नहीं रुकने वाली यहाँ। अरे विमला, ये गाना गा रही है, अरे सुन तो, मुँह मीठा तो करती जा। उनको जाने दिया जाए, जाने दिया जाए, कल को फिर वो मुँह उठा कर यही मिलेगी, यही मिलेगी। बहू ये तू क्या बोले जा रही है, आज तेरा ससुराल में पहला दिन है और तूने ये क्या रायता फैलाया है। मैं तो जब तुझे देखने आई थी, तेरे मुँह से लता मंगेशकर से सुरीले गाने निकल रहे थे। अरे ये वाला क्या माँ जी, अच्छा है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है, ये तो हमारे स्कूल की म्यूजिकल टीचर गा रही थी, उसे ही हमने घर बुलाया था। राम रे राम, सत्यानाश हो उस टीचर का, हे भगवान, ये तो मुझे 2 घंटे में ही बर्दाश्त नहीं हो रही है, सारी जिंदगी कैसे झेलूंगी इसे। सरला को तो गांव की बहू भी आना महंगा पड़ गया था, क्योंकि उसे तो ढिंचक पूजा जैसी बहू मिल गई थी, लेकिन सरला इस बात से अनजान थी। अब अगले रोज सुबह सरला पूजा करने के बाद अपनी बहू पूजा को प्रसाद देने जाती है, तभी पूजा अपने फोन में अपनी सास के साथ सेल्फी लेते हुए कहती है, मेरी सास ने पूजा कर ली है, कर ली है, जिसकी सेल्फी मैंने ले ली है, मेरे गाने पर मुझे नाज है, क्योंकि मेरे सर पर ताज है, ताज है। हे प्रभु, हे दीननाथ, कहाँ हो आप, इसी दिन के लिए क्या मैंने आपकी दिन रात पूजा करी थी, किस दुविधा में डाल दिया आपने मुझे। सरला तो अपनी बहू के बेसुरे गाने से परेशान हो चुकी थी, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी, पूजा तो उसकी पसंद की ही थी। अब देर शाम विमला सरला के घर फिर से आती है। सरला देख, तेरी इज्जत का मान रख के मैं आज तेरे घर आई हूँ, वैसे तेरी बेसुरी बहू कहाँ है। तेरे पीछे इधर उधर देखकर बोला कर विमला, फिर से वही चुगलखोर आंटी आई है जिन्होंने मुझे बेसुरी कहा है। बहू तू जाकर 2 कप चाय बना ला। सुना सरला तूने, अभी अभी तेरी बहू ने मुझे चुगलखोर कहा, कैसी बहू ब्याह के लाई है तू सरला, ना जाने क्या क्या अनाप शनाप बकती रहती है तेरी बहू। इस बात का दुख सिर्फ तुझे ही नहीं बल्कि मुझे भी हो रहा है, लेकिन इसका मैं क्या करूं? पूजा के इस बेसुरे गाने से हर कोई परेशान हो जाता है, लेकिन कोई कुछ कर भी नहीं पाता है। अब अगली सुबह दूध वाला सरला के यहाँ दूध दे रहा होता है, तभी पूजा को दूध लेते हुए उसकी सास की बातें याद आती है। अरे विमला चुगलखोर ही नहीं, वो तो कैरेक्टर लेस भी है, बता दूध
दूध वाले में उसको क्या ही दिखा जो उससे चक्कर चला रही है। बहुरिया हो गया, और दूध चाहिए क्या? अरे ना ना ताऊ, मुझे तो एक गाना याद आ रहा है, क्या आप सुनोगे मेरा गाना? अरे काहे ना ही सुनेंगे, अपनी बहुरिया का गाना सुनने में तो असली मजा है। सुनाओ सुनाओ। विमला आंटी के साथ जिसका चक्कर है चक्कर है, वो दूध वाला मेरे सामने डाटा है डाटा है। इसी बात पर मैं कहूँगी विमला आंटी बेलज्जी है बेलज्जी है। धत बहुरिया का बोलो थो, हमारा विमला के संग कौनो चक्कर या नैन मटक का बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि वो बेलज्जी औरत ही हमका फसाई है। अरे भाई साहब क्या बात है, क्या किया विमला ने? अरे का बताई सरली बहनिया, बहुरिया ना जाने का बोलत रही हमरा और वो बिमलू के बारे में। इतना बोलकर वो दूध वाला वहाँ से चला जाता है, लेकिन सरला अपनी बहू पूजा से कहती है, बहू क्या क्या बक गई तू इस दूध वाले के सामने, कहीं तूने मेरी बताई बातें तो नहीं बोल दी विमला के इस आशिक को? अरे नहीं नहीं माँ जी, मैं तो बस इन्हें अपना गाना सुना रही थी, तो ये शर्मा गए। हे प्रभु, कब बंद होंगे इसके ये घोर अत्याचारी गाने, सुनने वाला भी डर के किसी दिन मर जाएगा। अब आप ही इस घोर कलयुग गाने से लोगों को बचा सकते हैं दीननाथ। अब अगले रोज ही विमला और सरला देर शाम मार्केट जाते हैं, और साथ में पूजा भी जाने की जिद करती है, तो सरला पूजा को समझाकर अपने साथ मार्केट ले जाती है। और विमला और सरला मार्केट पहुंचकर सब्जियां लेती हैं, और जब वो लौट रही होती हैं तभी विमला की सब्जियां गिर जाती है, और उसमें से कई सारे टमाटर तो पिचक जाते हैं, जिसे देखकर पूजा हंसने लगती है। और विमला का ये हाल देख वो गाना गाती हुई कहती है, मार्केट से आते आते भारी थैले पकड़े पकड़े जिसके हाथ कांपते हो, वो समझो वो महंगाई का सताया हुआ है। बहू तू फिर शुरू हो गई? अरे माँ जी एक और गाना आ रहा है, दूध वाला सखी सैया तो खूबे कमावत है, लेकिन महंगाई डायन खायो जात है। बहू तू विमला के महंगे टमाटर और सब्जी उठाने में मेरी मदद करेगी? माँ जी अभी मजा नहीं आया, बस आखिरी। विमला आंटी के टमाटर सड़क पर बिखरे हैं बिखरे हैं, लोग उसे अपने पैरों से चटनी बना कर जा रहे हैं जा रहे हैं, उन्हें भी अपने पैरों से टमाटर की चटनी बनाने में मजा आ रहे हैं आ रहे हैं। सरला अब मुझे कतई तेरी बहू बर्दाश्त नहीं हो रही है, तू इसका कुछ कर वरना तेरी बहू मेरे हाथों मर जाएगी। सरला चाहकर भी अपनी बहू का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रही थी, क्योंकि उसे तो अब कुछ दिनों में ही उसकी बहू के इन हरकतों को झेलने की जो शक्ति मिल चुकी थी। अब विमला के गिरे हुए सब्जियां उठाने के बाद सरला विमला और पूजा घर के लिए निकल पड़ते हैं। तभी तीनों अपने घर के पास पहुंचते हैं तो सरला की बहू पूजा जो पीछे चल रही होती है उसका अचानक से बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नाले में गिर जाती है। विमला कितनी बार तुझे कहा है थोड़ा सुबह शाम घूमा कर, बता चल भी रही है तो लग रहा है जैसे भूकंप आ गया हो। अरे मैं तो आराम से ही चल रही हूँ, तू ये कैसी बात कर रही है? अरे विमला पूजा आगे आगे को निकल गई क्या, मैंने तो उसे देखा ही नहीं, कहाँ गई वो? नहीं नहीं वो मेरा मजाक बनाने के बाद पीछे ही थी। हे राम रे राम, ये कौन है, दूर रह। माँ जी मैं आपकी बहू पूजा। सरला कौन है ये जो खुद को तेरी बहू बता रही है, एक आफत कम है क्या जो ये पागल भी खुद को तेरी बहू ही बता रही है? अरे नहीं नहीं विमला, ये तो सच में मेरी बहू है, इसका तो सच में ढिंचक ढिंचक हो गया। तो इसी बात पे मेरी तरफ से ये गाना, सरला की बहू नाले में गिरी है, उसके बदन से गंदी बदबू आ रही है, क्यों बहू कैसा लगा मेरा ढिंचक गाना? अरे ऐसे नहीं विमला आंटी ऐसे, माँ जी मुझ पर पानी डालो डालो डालो, फिर मुझको पहचान डालो डालो डालो, फिर मेरा गाना हिट कर दो हिट कर दो। हाँ हाँ बहू, सरला भी तेरे लिए पानी लाई है, फिर तुझको अच्छे से नहलाई है। बहू तो बहू, पूजा की सास और पड़ोसन भी उसके ही ढिंचक अंदाज में रंग आ गए थे। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।